हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रणवीर गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलेन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे KMML रिक्रूटमेंट के बारे में। ये जो रिक्रूटमेंट है ये डिप्लोमा और ITI होल्डर्स वालों के लिए है। अगर बात की जाए KMML की तो इसका फुल फॉर्म है द केरला मिनरल्स एंड मेटल लिमिटेड। फ्रेंड्स, इसमें जो है वो डिप्लोमा और ITI होल्डर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात की जाए सैलरी की तो सैलरी इसमें बहुत ही अच्छी मिल जाती है। इसमें जो पोस्ट है वो जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग की है और जूनियर ऑपरेटर ट्रेनिंग की है। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एज लिमिट है और क्या इसकी क्वालिफिकेशंस हैं। अगर मैं आपको अभी बता, क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा और ITI है और ऑल ब्रांचेस कवर हो गई हैं। लमसम सारी ब्रांचेस जो हैं इसमें अप्लाई कर सकती हैं, कोई ऐसी ब्रांच नहीं है जो छूटी होगी। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 12 सितंबर को आ चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 1 अक्टूबर 2018 है। तो अगर आपने ये फॉर्म नहीं भरा है तो इसको जल्द से जल्द भर लें अगर आप एलिजिबल हैं तो। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर केरला मिनरल्स एंड मेटल लिमिटेड की, ये है एक अंडरटेकिंग, केरला गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है। इसमें सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी हैं वही होती हैं। यहाँ पे आपको पेमेंट्स और जो रिटायरमेंट के बाद होती है पेंशन, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और इसमें अगर वैकेंसीज़ की बात करें तो टोटल वैकेंसी 70 है। हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। जैसे पहला आप देख पा रहे हैं जूनियर ट्रेनिंग ऑपरेटर ट्रेनिंग की, उसमें 29 वैकेंसी है और उसकी क्वालिफिकेशंस ये डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग विथ 60% और डिग्री इन केमिस्ट्री इन 60%। तो ये इसकी क्वालिफिकेशन है। सेकंड है जूनियर बॉयलर कम, इसमें आपको फर्स्ट और सेकंड क्लास की बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मीन टू से आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें ITI मांगा हुआ है फिटर से और सेम चीज़ है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपका बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट ज़रूरी है। थर्ड पोस्ट है जूनियर ट्रेनिंग की फिटर की, इसमें आपके पास 10th प्लस ITI का सर्टिफिकेट फिटर में होना ज़रूरी है। करते हैं अगले पोस्ट की। अगली जो पोस्ट है वो जूनियर टेक्नीशियन है पाइप फैब्रिकेटर की, इसमें जो है 10th प्लस ITI होना ज़रूरी है फिटर प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेशन के साथ। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं 1। अगली जो है वो जूनियर टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंट में है, जिसमें कि 5 पोस्ट है। इसमें आपको फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। अगली जो पोस्ट है वो है जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन की है, इसमें 9 पोस्ट हैं। इसमें आपके पास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए और 10th पास होना चाहिए प्लस ITI सर्टिफिकेट के साथ इलेक्ट्रीशियन का। 7th जो है वो जूनियर चार्जमैन है स्टोर्स ट्रेनिंग की, इसमें 3 पोस्ट हैं और इसमें आपका डिप्लोमा इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है। अगर बात की जाए नंबर 8 की तो जूनियर टेक्नीशियन मैसून की है, इसमें 1 पोस्ट है। इसमें आपको सिर्फ 4th-5th क्लास पास होना चाहिए और मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेड के अकॉर्डिंग। अगली जो 2 पोस्ट है फ्रेंड्स 9 और 10, इसमें क्लास 8th मांगा गया है और 10th पास होना भी ज़रूरी है, बट आपके पास एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है, 6 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है दोनों में अकॉर्डिंग टू ट्रेड। तो आप इसको नोटिफिकेशन में जाके देख लीजिएगा, अगर आप एलिजिबल हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए। इसमें 9th वाले के लिए 8 पोस्ट हैं और ये 10th के लिए 4 पोस्ट हैं। अगर बात की जाए एज लिमिट की तो 1 जनवरी 2018 तक आपकी एज 26 हो जानी चाहिए पोस्ट 1 से 7 तक की। जो मैंने पोस्ट 1 से 7 तक बताई है उसके लिए जो एज लिमिट है वो 26 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 1 जनवरी 2018 तक। और अगर बात की जाए 8, 9 और 10 पोस्ट की तो जो उसमें है वो 36 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो है वो यहाँ पर मिल रहा है SC ST को 5 साल का और OBC को 3 साल का और फिज़िकल हैंडीकैप को भी अकॉर्डिंग टू एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स बात की गई है पीरियड ऑफ ट्रेनिंग और क्या आपकी स्केल पे होगी उसके बारे में। तो अगर बात की जाए पोस्ट 1 से 7 तक की, उसमें जो है वो ट्रेनिंग की है, 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा। उस ट्रेनिंग पीरियड में आपको मंथली 10,000 रुपये मिलेंगे और ट्रेनिंग कम्प्लीट होने के बाद आपकी सैलरी 21,580 रुपये से स्टार्ट होगी, जो कि आपकी जाएगी 55,730 रुपये तक। सेम प्रोसीजर 8, 9, 10 के लिए भी है, उनकी भी सेम सैलरी है। पोस्ट बाय पोस्ट जो है सैलरी इंक्रीज़ करती रहेगी। अगर बात की जाए फॉर्म फिल करने की तो इसमें नोटिफिकेशन में फॉर्म दिया हुआ है, उसको आप फिल करके और रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगा करके सेल्फ अटैच करके आपको दिए गए पते पे भेजना है।
मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप जाके ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने फॉर्म अभी भी नहीं फिल किया है तो इसको फिल कर दीजिए। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहां देख पा रहे हैं, ये है फॉर्म। इस टाइप का फॉर्म ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको मिलेगा। इसमें आप कंप्लीट डिटेल्स अपनी फिल करके बाय पोस्ट दिए गए पते पे भेज दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।